कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच मारपीट के मामले में प्रेमचंद अग्रवाल चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग की है। ये वीडियो आया, उसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी जो शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा एक आम जन के साथ सड़क पर सरेआम मारपीट की गई। हम कांग्रेस जन ये राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं, महामहिम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि कैबिनेट मंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी कि अपने पद के साथ न्याय करेंगे और वही एक आम नागरिक की तरह मारपीट करते हुए नजर आते हैं, हम कहना चाहते हैं कि उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी संविधान की जो शपथ ली थी उसको तोड़ने का काम किया है और उनकी विधानसभा सदस्यता भी निरस्त होनी चाहिए। बड़ी संख्या में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरेआम मारपीट कर पद की गरिमा को गिराया है, इसलिए उन्हें मंत्री पद से हटाकर विधानसभा सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। देखिए, पहले भी देखा गया है कि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश में सड़कों पर आई थी। उन्होंने खून से पत्र लिखा था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कि हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो हमारी विधानसभा में उपस्थित तक नहीं रहता। लेकिन आज देखने को क्या मिल रहा है कि ऋषिकेश में खुलेआम जो गुंडागर्दी प्रेमचंद अग्रवाल और उनके साथियों द्वारा की जा रही है, उनके गनर द्वारा एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, ये स्पष्ट है कि उनके मन में सिर्फ और सिर्फ सत्ता का जो लालच है और लोभ है उसके आवेश में आकर वो आम जन के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो सबके सामने और निंदनीय है, और हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। अन्यथा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए भी युवा कांग्रेस तत्पर है। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।